मध्य प्रदेश में अपराधों पर अंकुश लगाने और पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिला पुलिस की ताकत बढ़ाने और हाईटेक बनाने के लिए उन्हें अपने हाथों से टू व्हीलर्स की चाबियां सौंपी हैं। करीब 250 महिला पुलिसकर्मियों को नई टू व्हीलर की सौगात दी गई है। इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के साथ ही सीएम ने मैं हूं अभिमन्यु पोस्टर पुस्तिका का विमोचन भी किया। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ने ये गाड़ियां सौंपी। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने और संबल बनाने वाली योजनाओं के साथ साथ उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना भी जरूरी है। इसके लिए महिला पुलिस का सुदृढ़ होना भी जरूरी है। अपने उत्तरदायित्व को निभा के अपने आप को सुदृढ़ करने का काम कर आधी आबादी को न्याय के बिना न देश आगे बढ़ सकता है न प्रदेश आगे बढ़ सकता है। इसे पुलिस बोर्ड पर भर्ती के लिए हमने जितनी हमने 50% भर्तियां शिक्षकों में हो गई क्यों अब 33% सभी सेवाओं में हो ये आगे पूर्वक। कार्यक्रम में मौजूद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार महिलाओं को सम्मानित जीवन देने के लिए लाडली बहना योजना चला रही है, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश के अलग अलग थानों में चल रही 950 ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क को सशक्त बनाने में इन दोपहिया वाहनों से मदद मिल सकेगी, जिन पर सवार होकर प्रदेश के पुलिस कर्मी बड़े शान से इस कार्यक्रम से बाहर निकलें।